आजकल बच्चे किसी का कहना नहीं मानते हैं, क्या किया जाए जो बच्चे कहना माने। ये आपने बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है, जिसे देखें ये वो यही शिकायत करता नजर आता है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते और यहाँ तक कि वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते, जो उनका अभी कर्तव्य है पढ़ाई करना, उससे भी वो दूर जा रहे हैं। सभी अभिभावकों का आजकल के परिवेश में ये प्रश्न सभी के लिए है। इसका मुख्य कारण एक ही है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, आजकल सभी माताएं अपने को फ्री रखने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और फिर वो मोबाइल पे गेम देखते हैं। छोटे बच्चे कुछ भी देखते हैं, कार्टून देखेंगे, इस तरह का कुछ भी वो देखने में अपने को अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम तो कुछ देर के लिए फ्री हो जाते हैं, हम अपना वो अपने काम के उसमें व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा बच्चा इसका बहुत ही आदी हो रहा है। अगर आप छोटे बच्चे से मोबाइल छीन के देखिए किस तरह वो रिजिड हो जाते हैं, बहुत ही रोने लगेंगे कि नहीं, हमें ये देखना ही देखना है, हमें ये सुनना ही सुनना है। तो मेन कारण तो आजकल यही है कि बच्चे मोबाइल, बचपन से ही बच्चे मोबाइल देखते हैं और उससे उनका मानसिक विकास बहुत ही कम हो जाता है। तो जब बच्चा चलना सीखता है तो हम सोचते हैं अब ये बड़ा हो गया है, ये सब काम अपने आप कर लेगा, कर लेता है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, अभिभावकों का वो जो होता है, मतलब जो उनको वो सोचते हैं कि अब हम अभिभावक ये सोचने लगते हैं कि अब हम फ्री हो गए, अब बच्चा बड़ा हो गया, अपने आप सब काम कर लेता है, सब कुछ कर। लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा उनको देखने की जरूरत होती है और यहीं पे हमारी छोटी सी ये भूल हो जाती है, जिसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, बच्चों का है बड़े होके किस तरह बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उनमें और बहुत ज़्यादा ये सब सारी कुरीतियाँ उनमें आ जाती हैं। तो एक यही छोटी सी भूल होती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अभिभावक को है कि उसको थोड़ा सा देखें, उसको थोड़ा पढ़ने के लिए बिठाएं, लेकिन आजकल क्या करते हैं, ट्यूशन में बच्चों को दे देते हैं और अपना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो ये फ्री होने की जो प्रवृत्ति है ना, आजकल बहुत ही बढ़ रही है माता पिता में और बच्चे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं और इसका परिणाम परिवार परिवार भोगता है। परिवार में तो है ही, देश पूरे विश्व में ये कुरीतियाँ बच्चों में आ जाती हैं और वो इस मतलब कि वो इस तरह हमारे हाथ से बच्चे निकल जाते हैं। हमने ये देखा, जिसने भी अपने बच्चे को थोड़ा भी बचपन से मतलब पढ़ने बिठाते हैं, थोड़ा समय दीजिए कि उनसे डिस्कस करिए, परिचर्चाएं करिए, हर हर फील्ड की परिचर्चाएं करिए, ये साइंस क्या है या फिर कोई भी चीज़ का अध्यात्म का, थोड़ी उनको कहानियाँ सुनाइए, सभी भक्तों की कहानियाँ सुनाइए। तो जब आप बचपन से उसको थोड़ा सा इस ओर मोड़ेंगे, अध्यात्म की ओर थोड़ा सा उनको रुझान करेंगे, तो मेरा मानना है कि बच्चे में विकास जो है बहुत ही विकास का स्तर अच्छा बन जाएगा बच्चों में और वो आगे जाके
संस्कारी बनेंगे और बच्चे कहना भी मानेंगे। तो यही छोटी सी भूल हमारी हो जाती है कि हम बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं बच्चे को ट्यूशन दे दिया और हम अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें भी उसके साथ बैठ के थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह पढ़ो, पढ़ाई करो, इस तरह करो। और फिर इस ये तो हम कर नहीं पाते हैं और माता पिता फ्री समझते हैं अपने को बच्चे से, और बच्चे भी फिर फ्री समझते हैं अपने को, स्वतंत्र समझते हैं, और फिर वो भी कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। यही इसका मुख्य कारण है। अतः हमें इस पे ध्यान देना होगा बच्चों पे थोड़ा सा। जब सभी, अब देखिए, जब खाना खाते हैं तो भी टीवी चल रहा होता है और खाना खाते हैं, तो खाने में क्या है, जैसा भाव आप डालोगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे, और विचार बनेंगे वही हमारे कर्म में आ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको आप बंद करिए। ये खाते समय तो कम से कम टीवी नहीं देखिए। तो और वैसे भी खाते समय बात करना वो भी ठीक नहीं है, है ना। और बात करें भी तो अच्छी बात करें। टीवी में क्या होता है, पिक्चर आती है, खा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो उससे क्या होती है, वही बात जो खाने के उसमें जाती है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं मुंह खाना खा रहा है और अपना काम हो रहा है, अपना आँखों से अपना, मतलब कि हम टीवी देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खाने पे भी इसका असर अवश्य पड़ता है। अतः ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे अवश्य कहना भी मानेंगे, संस्कार भी अच्छे होंगे, और ये शिकायत भी हमारी दूर हो जाएगी कि बच्चे जो है अच्छे राह पे नहीं चल रहे हैं, और हमारा आदर नहीं कर रहे हैं। ये सभी शिकायतें दूर हो सकती हैं अगर हम इन कुछ नियमों का पालन करें। तो आशा है आप लोग अवश्य इस उपयोगी चर्चा का लाभ उठाएंगे। जय सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।